चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगतगुरु आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज से आशीर्वाद लिया और कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, संत समाज से उनका गहरा नाता है और समय समय पर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि जिला पंचायत चुनाव में इस बार नए प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। वही भर्ती घोटाले पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जितना भी बड़ा रसूख वाला व्यक्ति होगा, उसे जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। देखिए, हमने कहा है कि सभी भी जो भी भर्ती पे घोटाले हुए हैं, उन सभी घोटालों की जांच चल रही है और उस पर एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जा रहा है। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी के तार किसी से जुड़े हो क्यों ना हो, जांच उससे प्रभावित नहीं होने वाली है और अंतिम व्यक्ति जब तक इस घोटाले में जो लिप्त होगा नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ये जांच चलेगी।